कलयुग में प्रकृति के विरुद्ध कई चीजें देखने को मिलेंगी, जिन्हें पहले ना कभी किसी ने देखा होगा और ना ही उसके बारे में कभी किसी ने सुना होगा। ऐसा वेदों और पुराणों में वर्णन मिलता है और आज ये बात काफी हद तक सच होती नजर आ रही है। बचपन में आप सभी ने हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस जीवों के बारे में पढ़ा होगा। ये भी आपने पढ़ा होगा कि गाय, खरगोश, हिरण, गिलहरी, हिप्पो जैसे जानवर शाकाहारी होते हैं, जो फूल, पेड़ पौधे, पत्तियां और घास खाकर ही अपना जीवन गुजारते हैं। लेकिन इस कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में गाय और हिरण जैसे जानवरों को मांस खाते देखा गया। कई ऐसी वीडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें गाय और हिरण सांप खा रहे हैं या फिर चिकन और पक्षियों को मारकर उन्हें खा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शाकाहारी जानवरों को मांस खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों उन्हें अब पेड़ पौधे खाने में मजा नहीं आ रहा है? क्या एक एक करके सारे शाकाहारी जानवर मीट खाना शुरू कर देंगे? क्या इस दुनिया में कोई शाकाहारी बचेगा ही नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको डिटेल में देने वाले हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आपने कुछ वायरल वीडियोस देखी होंगी जिसमें खरगोश, गिलहरी, गाय, बकरी और हिरण जैसे जानवरों को मीट या बर्ड्स खाते हुए देखा गया है। यहाँ तक कि टॉर्टोइस भी हड्डियों का सेवन करने लगा है। वैसे तो हर्बीवोरस जानवरों का डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह का बना होता है कि वो सिर्फ घास फूस जैसी चीज़ों को ही पचा सकता है। मीट डाइजेस्ट करने लायक उनका सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन कभी कभी मीट खाने से कुछ खास नुकसान नहीं होता है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को मीठा खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन हफ्ते में या 15 दिन में वो मीठा खा ले तो हेल्थ पर नेगेटिव असर भी उतना नहीं पड़ता है। दोस्तों, हर्बीवोरस जानवर आखिर मीट क्यों खाते हैं? इसका एक जवाब तो ये है कि उन्हें आखिर पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं। कोई उन्हें मांसाहार या शाकाहार में फ़र्क करना नहीं सिखाता। एक जानवर के लिए हर एक चीज़ फूड है, फिर चाहे वो घास या पत्तियां हों या फिर सामने रखा मीट, उन्हें हर चीज़ खाने की नज़र आती है। उनका मेंटल स्केल हमारी तरह नहीं होता जो उन्हें गाइड करेगा कि कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी नहीं। जानवर तो हर वक्त अपनी अगली मील के बारे में सोच विचार करते रहते हैं। आमतौर पर कुत्ता और बिल्ली वैसे तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन कई बार उन्हें फूल पत्ती खाते हुए भी देखा जाता है। आपने भी घर पर या गली मोहल्ले में कुत्तों को भी पौधे खाते हुए देखा होगा। ठीक उसी प्रकार हर्बीवोरस भी कभी कभी मीट खा लेते हैं। शाकाहारी जानवरों के मीट खाने का एक कारण है भूख। जब उन्हें भूख लगती है तो वो इस बारे में नहीं सोचते कि उन्हें सिर्फ घास ही खानी है। अपनी भूख मिटाने के लिए वो कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी जानवर भूखा मरना नहीं चाहता। अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जहाँ पर खाने के लिए हरी घास या फूल पत्ती भी नहीं मिल पाती। ऐसे में खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ जानवर मांसाहार का सहारा ले लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जानवर तो अपने बच्चों को ही मार कर खा लेते हैं। किसी भी मादा ने यदि कई बच्चों को जन्म दिया है और उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो अपना बच्चा मार कर खा जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि यदि भूख से उसकी मौत होती है तो उससे उसके सारे बच्चे भी मर जाएंगे। ऐसे में एक बच्चे की कुर्बानी देना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है। कुछ जानवर ज़रूरी पोषक तत्व पाने के लिए भी मीट का सेवन करते हैं। शाकाहारी जानवरों के मीट खाने की सबसे बड़ी वजह अब तक यही मानी गई है। जानवरों के पास शाकाहारी खाने के बहुत सीमित साधन होते हैं। उनके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स की भारी कमी होती है। कई जानवरों को ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उदाहरण के तौर पर कछुआ वैसे तो शांत स्वभाव का जानवर होता है जो दिन भर बस पत्तियां ही खाता रहता है, लेकिन अपने शेल को मजबूत बनाने और एग्स क्रिएट करने के लिए उसे कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। मादा कछुआ दूध नहीं देती जिस कारण उसे कैल्शियम नहीं मिल पाता, और अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो हड्डियां खाना शुरू कर देती है। इस तरह से देखा जाए तो अपनी डाइट को बैलेंस रखने के लिए हर्बीवोरस मीट कंज्यूम करते हैं। कुछ जानवर पत्थरों से भी कैल्शियम प्राप्त करते हैं और अपने कई बच्चों को बचपन में मिट्टी खाते हुए भी देखा गया होगा। ऐसा वे शौक शौक में तो नहीं करते हैं, बल्कि उनकी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो सिर्फ खाने से पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए वो मिट्टी और पत्थर चबाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा शाकाहारी जानवरों के मीट खाने का एक रीज़न और है, और वो है स्वाद, यानी कि टेस्ट। अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए वो मीट खाने लगते हैं। यकीनन जानवरों को मीट का स्वाद घास से बेहतर लगता होगा, और टेस्ट चेंज करने के लिए वो कभी कभी मीट खाते नजर आते हैं। लेकिन अब तक कौन कौन से हर्बीवोरस एनिमल मीट खाते हुए देखे गए हैं? वैसे तो इसको लेकर कोई न्यूमेरिकल आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन हर्बीवोरस ने यूजुअली मीट खाना शुरू कर दिया है, और इन जानवरों के मांस खाने के रीजंस भी अलग अलग होते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं डियर की। डियर का शरीर पौधे खाने के लिए बना होता है, लेकिन आजकल कुछ हिरण, सांप, बेबीज बर्ड्स और यहाँ तक कि ह्यूमन बोन्स खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये इंसानों को तो नहीं मार रहे, लेकिन पक्षियों का शिकार करना इन्होंने शुरू कर दिया है। नॉर्थ डकोटा से कई ऐसी वीडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें हिरण को शिकार करते हुए देखा गया है। असल में हिरण फास्फोरस और कैल्शियम प्राप्त करने के लिए बोन्स पर निर्भर होने लगे हैं, इससे वो अपनी हड्डियां और शरीर को मजबूत बना रहे हैं। हिरण के अलावा काऊ, शिप, जिराफ्स भी हड्डियों को चबाते हुए देखे जा रहे हैं। स्क्वेरल्स का सबसे प्रिय भोजन चेरी बेरी और नट्स होते हैं, लेकिन अब इन्होंने अपना दायरा भी बढ़ा लिया है। ये पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों को भी खाने लगे हैं। इसके अलावा छिपकली, फ्रॉग, स्नेक्स और छोटे मोटे टर्टल्स भी गिलहरी खा लेती है। गिलहरी इनका शिकार नहीं करती, लेकिन इन्हें मरा हुआ जानवर नजर आता है तो उसे खाने से चूकती भी नहीं है। मिनरल्स और कैलोरीज पूरा करने के लिए ये फ्लैश का सेवन करती हैं। गिलहरी की तरह ही चूहे, बीवर्स और खरगोश ने भी अपनी डाइट में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। तितलियाँ भी मांसाहारी हो सकती हैं, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। प्यारी प्यारी तितलियाँ तो बस फूलों का रस चूसती हुई नजर आती हैं, लेकिन जो दिखता है सिर्फ वो सच नहीं होता। बटरफ्लाई को मौत और मरी हुई मछलियों का सेवन करते हुए देखा गया है। हालांकि वे ऐसा क्यों करती हैं इसका कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इसके अलावा लार्वा को मक्खियां खाते हुए देखा गया है, तो वहीं कैटरपिलर स्नेल्स को खाने लगे हैं, जबकि आमतौर पर लार्वा और कैटरपिलर का भोजन सिर्फ पत्तियां होती हैं। ड्यूकर्स एक प्रकार के एंटीलोप की प्रजाति है जो ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है। इन्हें वैसे तो फ्रुगिवोरस की कैटेगरी में रखा गया है, यानी वो जीव जिनका मुख्य आहार फ्रूट्स होते हैं, लेकिन अब इनके नेचर में भी बदलाव नजर आ रहा है। जब साइंटिस्ट ने ड्यूकर्स के पेट को लेकर रिसर्च की तो उसमें 10% एनिमल सोर्स पाया गया। ड्यूकर्स अब टॉर्टोइज, स्मॉल बर्ड्स, मैमल्स, रोडेंट्स और एम्फीबियंस पर निर्भर रहने लगे हैं। इतना ही नहीं, ये अपने शिकार को सीधा नहीं मारते, बल्कि कुछ देर उनके साथ पहले खेलना पसंद करते हैं, यानी एक तरह से उन्हें तड़पा कर मारते हैं और फिर उनका सेवन करते हैं। दोस्तों, हिप्पो भले ही शाकाहारी जानवर माने जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। हर साल शेर और तेंदुए के हमले से ज़्यादा मौतें हिप्पो के हमले से होती हैं। हिप्पो इतने अग्रेसिव होते हैं कि ये क्रोकोडाइल का भी शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा हिरण जैसे जानवरों को भी अपना ये भोजन बना लेते हैं, और हिप्पो सिर्फ मीट के टेस्ट के लिए ही ऐसा करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि इन्हें कोई न्यूट्रिशंस की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इनके पास खाने की कोई कमी होती है। ये बस मीट का स्वाद चखने के लिए मांसाहार बन जाते हैं। इसके अलावा प्राइमेट्स जैसे चिंपैंजी और बोनोबोस भी अन्य जानवरों को मार कर खा लेते हैं। ये प्राइमेट्स विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए मीट खाते हैं। बोनोबोस की डाइट में 16% यानी कि 1/6 पार्ट सिर्फ मीट ही होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि प्रकृति कितनी विचित्र है और कैसे प्रकृति में समय के साथ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शाकाहारी जानवरों ने अपना स्वभाव बदल लिया है और उन्हें भी अब मीट ज़्यादा पसंद आने लगा है। धार्मिक गुरु और संत इसे कलयुग का प्रभाव मानते हैं, तो वहीं साइंस का लॉजिकल रीज़न हमने आपको बता ही दिए। क्या आपने किसी हर्बीवोरस एनिमल को मीट खाते या शिकार करते हुए देखा है? अगर हाँ, तो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।